नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको कामिका एकादशी की व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना, अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान के फल की बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं,
उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ई लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। कामिका एकादशी के संबंध में एक कथा आती है जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थी। ठाकुर जी बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे और एक बार उनका एक किसी ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया और ठाकुर जी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने उस ब्राह्मण का वध ही कर दिया। वध करने के पश्चात उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी क्षमा याचना करने चाहने लगे और चाहने लगे कि उस हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उन्हें क्रिया करने में मना कर दिया, उन्हें सम्मिलित नहीं किया और इस प्रकार ठाकुर जी ब्रह्म हत्या के दोषी बन गए। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया और तब उन्होंने एक मुनि से ही निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि एकादशी के दिन पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना और तुलसी दल अर्पित करना। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा। तब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तब इसे स्वप्न में प्रभु दर्शन दिए और उसके पापों को क्षमा करते हुए, क्षमादान देते हुए उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की कृपा से वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। कथा का सार इस प्रकार से है कि भगवान श्री हरि सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान श्री हरि मोती, हीरे मोती, सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि एक तुलसी दल अर्पित करने से हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस कथा को सुनने और सुनाने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।